दोस्तों जो यहाँ पर एरो मार्क दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये फायर कैप का वो हिस्सा है जहाँ पर बीम लगाई जाती हैं, जो छोटे छोटे पाइप दिख रहे हैं आपको, और इसका स्पेशल इंजीनियरिंग कैलकुलेशन है सिविल इंजीनियरिंग में। इसको बोलते हैं मैकॉलेज मेथड टू कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इन ए गिवन बीम। तो ये बहुत ही इंजीनियरिंग कैलकुलेशन होती है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाद में गर्डर आना है और उसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये छोटे छोटे जो पाइप दिख रहे हैं इसके अंदर बीम आएगी, जो कि जब RCC डल जाएगा इसके अंदर, उसके बाद में इन बीम्स को निकाला जाए। ये आगे अभी जो आप ड्राइंग देख रहे हैं ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है एक पायर कैप की। दोस्तों पायर कैप बनाने के लिए BBS यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया जाता है, जैसे कि आप रेफरेंस देख रहे हैं कि जितनी भी पायर कैप बनाई गई हैं इनका एक पहले शेड्यूल होता है, हर एक सरिया कितने mm का है और उसका शेप कैसी होगी, कैसे बेंड होना है। जैसे एक ड्राइंग देख रहे हैं रेफरेंस के लिए आप, ये स्ट्रक्चर रेनफो स्ट्रक्चर को बोला गया है, ये बनाया गया यहाँ पर। ये पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं इसको, उसमें एक एक चीज़ क्लियर की जाती है, कितने mm का सरिया कितना बेंड होगा, उसकी टोटल कट ऑफ लेंथ कितनी होगी और कहाँ कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट होगी, ये सब कैलकुलेशन की जाती है, तभी ये आगे नीचे डाउन द लाइन टीम को दिया जाता है जो कि पूरा बेंडिंग ये कैप का निर्माण हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये इसका पूरा जाल बना रहे हैं ये, इसमें भाई साहब कितने कितने mm का जो सरिया लगा हुआ है? 32 का है। 32 का, 12 का है, 12, 16 का है, 20 का है, 16 और 20 का भी। अच्छा, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, और ये कैप जब बन जाएगी पूरी की पूरी, इस कैप को फिर ये क्रेन की मदद से ये जैसा कि ऊपर इस कैप को स्पायर के ऊपर लगा दिया जाता है। ऐसे एक एक इंडिविजुअल कैप बनाते हैं साथ में ही और उसको इंडिविजुअल ऊपर लगा रहे हैं, फिर इसमें कंक्रीट और बाकी सारा काम होता है इसके अंदर। ये बहुत ही सफाई से धीरे धीरे बनता जा रहा है ये कैप। दोस्तों ये दोनों तरफ आप जो ISMB देख रहे हैं, ISMB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम्स होती हैं, इसको लोग चैनल या आई चैनल भी बोलते हैं। ये इस रेनफो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये बाद में निकाल दिया जाएगा, ये शुरुआत में ही स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया जाता है। इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि जब भी स्ट्रक्चर को उठाया जाएगा तो सीलिंग और हाइड्रा की मदद से इसको ऊपर उठाया जाएगा, बाद में इसको निकाल लिया जाता है। दोस्तों मैं राकेश कोचर, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।